Hi, this is Rekha Kakkar from My Tasty Curry. Welcome to my YouTube channel. आज मैं बनाने वाली हूँ साबुदाना वड़ा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर महाराष्ट्रियन स्नैक है और ब्रेकफास्ट है। इसे सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं साबुदाना वड़ा। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे उबले हुए आलू, इनको ग्रेट कर लेंगे। इसको कद्दूकस कर लिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगे साबुदाना, जिसे मैंने पहले 2 घंटे के लिए भिगा के रखा था। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी भुनी हुई और कुटी हुई मूंगफली। इन सब चीज़ों को हम इसका मिक्सचर बना देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक थिक सा डो जो है तैयार हो जाएगा। तो ये साबुदाना का मिक्सचर कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। अब इस मिक्सचर को हम शेप कर लेंगे अपनी मनपसंद शेप्स में। मैंने यहाँ पर इसको 2 शेप में शेप किया है, एक राउंडल्स ट्रेडिशनली जैसे वड़ा शेप करते हैं, और दूसरा छोटे छोटे बॉल्स इसके तैयार किए हैं। आप चाहें तो अगर कोई मोल्ड यूज़ करना चाहते हैं या पर्टिकुलर शेप बनाना चाहते हैं, आप अपनी मनपसंद की शेप भी बना सकते हैं इससे। सो ये सारे साबुदाना वड़ा हमारे रेडी हो गए हैं। इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनली जो है महाराष्ट्रियन वड़ा है तो इसको डीप फ्राई किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने डीप फ्राई मेथड दिखाया है। तो इसके लिए हम तेल को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक हीट करना है हमने, और उसके बाद जब साबुदाना वड़ा डालेंगे उस समय इसको हीट को हम मीडियम कर देंगे, ताकि साबुदाना वड़ा जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो एक एक करके सारे साबुदाना वड़ा हम इसमें डाल देंगे और इनको फ्राई हमें करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो इसको जो साबुदाना वड़ा है इसको ऑयल से ब्रश कर दीजिए, या अगर आपके पास ऑयल स्प्रे है तो आप इसको ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप रेगुलर वे में जैसे और चीज़ें एयर फ्राई करते हैं सिमिलर वे में आप इसे भी एयर फ्राई कर सकते हैं। सो हमारे जो वड़े हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, सर्व करने के लिए तैयार हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिसको मैंने पहले से ही किचन टॉवल रखा हुआ है, जो नैपकिन है एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक और बैच इसका फ्राई कर लेंगे सिमिलर वे में। सो ये हमारे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी साबुदाना वड़ा तैयार हैं। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो हमेशा की तरह आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।